नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया, आगामी आम चुनाव के लिए अपना नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत कराएं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा, देश में 2014 तक जितने अंतरिक्ष मिशन हुए, उतने ही मिशन पिछले चार वर्ष में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का महिला सिंगल्स फाइनल साइना नेहवाल और कैरोलिना मैरिन के बीच आज दोपहर बाद। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में पुरुषों का फाइनल नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के मद्देनजर युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है, ताकि उनके सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा जा सके। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं, तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे, उतने ही मिशन पिछले चार वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चंद्रयान द्वितीय मिशन के तहत चंद्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉन्च किया गया है। ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। हम जल्द ही चंद्रयान 2 अभियान के माध्यम से चांद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र #MyIzzatGhar पर अपलोड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देशभर के छात्रों से संवाद करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिवंगत हुए कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के प्रमुख श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने संत रविदास का विशेष रूप से स्मरण किया, जिनकी जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले के परिसर में क्रांति मंदिर नामक एक संग्रहालय खोला गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज, जलियांवाला बाग तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के एक दिन के दौरे पर हैं। श्री मोदी ने तमिलनाडु में मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मदुरई के राजाजी मेडिकल कॉलेज तथा तंजावुर और तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने एक दर्जन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में एम्स अस्पतालों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इलाज सस्ता हो। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम की शुरूआत इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य समस्याओं के समग्र समाधान के लिए अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। 1,57,00,000 persons of Tamil Nadu state are covered under this scheme. In just over 3 months, about 89,000 beneficiaries were admitted and an amount of more than ₹200 crore has been authorized. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अलग थलग पड़े धनुषकोटि टापू को 21,000 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु से जोड़ा जाएगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि इससे दलितों, जनजातीय लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों को पहले से मिल रहे आरक्षण के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि तमिलनाडु में कुछ लोग इस मुद्दे पर अपना हित साधने के लिए संदेह और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी नकारात्मक शक्तियों के प्रति सतर्क रहें। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड मिस्ट्रस्ट इज बीन क्रिएटेड बाय अ फ्यू पीपल इन तमिलनाडु टू सर्व देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। आई आर्ज All of you to remain vigilant against such negativity. श्री मोदी केरल में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का एकीकृत तेल शोधक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कोच्चि में एक पेट्रो रसायन परिसर की आधारशिला रखेंगे। वे कोच्चि में ही भारतीय तेल निगम लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र के स्टोरेज वेसल का भी उद्घाटन करेंगे और एत्तमनूर में कौशल विकास संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री त्रिशूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, तुझे एक गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ? यार मेरा एक ड्रीम था ना अपने खुद के घर का, जिसमें हो एक बालकनी और जहाँ खड़े होके सुकून से चाय पीते हुए अच्छा व्यू मिले, बड़ा सा बेडरूम, लिविंग रूम एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जहाँ लाइफ हैपनिंग भी हो और सिक्योर्ड भी। वो अब पूरा हो गया है। क्या बात कर रही है, लेकिन ये ड्रीम पूरा हुआ कैसे? लोन लेकर। लोन लेकर? मगर लोन पर तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना? नहीं यार, ज्यादा नहीं है। वो कैसे? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बारे में नहीं सुना? इंटरेस्ट पर अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, जिससे हम हर महीने की ईएमआई में करीब करीब 2,500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं, जो कि 20 साल के लोन में लगभग 6,00,000 की सेविंग हो जाती है। लगभग 6,00,000 की सेविंग? सच? जी हाँ, सही सुना आपने। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी से मासिक किश्त तकरीबन 2,500 रुपए तक कम हो जाती है, जिसका लाभ 20 साल के लोन पर लगभग 6,00,000 हो सकता है। 18,00,000 या उससे कम वार्षिक आय वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क करें। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। क्या खरीदने आई हैं भाभी जी? घर में पार्टी है ना भैया? अरे भाभी जी, ये गिलास, स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, बोतल, हर चीज सिंगल यूज प्लास्टिक। जानती हूँ, प्लास्टिक का कूड़ा नीले कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। भाभी जी, फेंक तो आप देंगी, पर ये प्लास्टिक लगभग 1,000 साल तक यहीं रहेगा और धरती, पानी, पर्यावरण को खराब करेगा। अब करें सिंगल यूज प्लास्टिक पर चौतरफा वार। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। करें सिंगल यूज प्लास्टिक बंद, बन जाए अक्लमंद। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग के सिलसिले में यह बैठक बुलाई है। बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र अगले महीने की 13 तारीख को संपन्न होगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उपायों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस वर्ष के कुंभ मेले में कई गैर पारंपरिक शिविरों में सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सक्षम बैनर के तले कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ में लोगों को स्वैच्छिक नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुंभ मेले में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों के माध्यम से नेत्रदान महादान के संकल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर से आए श्रद्धालु, पर्यटक और कल्पवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। एक कल्पवासी ने बताया, मैं डॉक्टर शिवमूर्ति त्रिपाठी यहाँ कल्पवास में हूँ इस समय एक महीने के लिए, और नेत्र शिविर में मैं आज यहाँ चश्मा लगवाने आया था और एक घंटे के अंदर लगभग सारी चेकिंग भी हो गई, चश्मा भी मिल गया। नेत्र कुंभ के आयोजक और एनजीओ सक्षम के महासचिव कमलाकांत पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि चिकित्सालयों में किस प्रकार से तुरंत ट्रांसप्लांट हो, हमारा यहाँ निःशुल्क उनको हम कॉर्निया लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अभी हम पूरे देश भर में इस पर भी फोकस करने जा रहे हैं कि किसको जरूरत है उनको तत्काल कॉर्निया दिलाया जाए जिससे उनको सुविधा अच्छे से हो सके। इस बार का आधुनिक कुंभ विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपने मानव कल्याण के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कुंभ मेला सिटी, प्रयागराज। ये समाचार हमारे वेबसाइट newzoneair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ट्रेन में अकेले सफर करना सुरक्षित है क्या? हाँ बिल्कुल, 182 है ना। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो तो डायल करो 182। और अगर पर्स या कुछ कीमती सामान चोरी हो जाए तो डायल करो 182। और कोई ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे अपना सामान भूल जाए तो? अरे भाई सबके लिए 182। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त कोई करे परेशान या चोरी हो जाए कुछ कीमती सामान या फिर भूल जाए आप अपना सामान, तो याद रखें रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 182, जिसमें होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। क्या आपकी त्वचा के किसी भाग में लाल या हल्के फीके रंग का निशान है? क्या आपके हाथ और पैरों की उंगलियां सुन्न हैं? तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसकी दवा MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ रोग जड़ से मिट जाता है। ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलती है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब के लिए आज जकार्ता में सायना नेहवाल का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन के साथ होगा। सेमीफाइनल में कल सायना ने चीन की ही बिंग जियाओ को 18-21, 21-12, 21-18 से पराजित किया था। उधर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल से होगा। भारत ने कहा है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर सिख फॉर जस्टिस बैनर के तले हुआ प्रदर्शन विफल रहा है और इसमें महज 15 से 20 लोग ही शामिल हुए, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे। इस बीच ट्विटर ने भारत विरोधी अभियान चला रहे अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के खाते को निलंबित कर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भारत से आयात किए गए नए विद्युत रेल इंजन को देश को समर्पित किया। भारत ने रेल प्रणाली के विकास के लिए श्रीलंका को $1,28 करोड़ की सहायता दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे आगामी आम चुनाव के लिए अपना नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत कराएं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा है कि देश में 2014 तक जितने अंतरिक्ष मिशन हुए उतने ही मिशन पिछले 4 वर्ष में सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।